जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार है आपके चैनल में। आपके संबंध जीवन में कभी न कभी किसी से तो ख़राब हुए होंगे या अभी किसी के साथ खराब चल रहे होंगे, तो उन संबंधों को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे मंत्र हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने के बाद हम उन संबंधों को बिल्कुल यथावत और अच्छे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं आपसे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपके संबंध किसी के साथ खराब चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में लिखे जय श्री महाकाल, और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर दोनों जगह डॉक्टर रोमचो सर्च करेंगे, आसानी से मैं आपको मिल जाऊंगा। अगर आप मुझसे परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पर 24 घंटे कभी भी जय श्री महाकाल लिख दें और वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। शुल्क जो है नॉमिनल है, उसका भुगतान कर आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहली और मुख्य बात कि संबंध जो हमारे ख़राब होते हैं ना, उसमें तीसरे व्यक्ति का होना, अर्थात सीधी सी बात है कि तीसरे व्यक्ति द्वारा कान भरना। ज़्यादातर संबंध जब भी ख़राब होंगे ना, आपके भी अगर किसी संबंध ख़राब है तो 50% से 60% यही संभावना है कि दो व्यक्तियों के बीच एक तीसरे ने कान भरे, आधे कान इधर भरे आधे कान उधर भरे, और एक अच्छा जो संबंध था वो ख़राब हो गया। ये पहला मेज़र कारण। दूसरा होता है आमने सामने की तनातनी, कोई बात वो अच्छी कह देते हैं, कभी हम कह देते हैं। और तीसरी बात होती है हितों का टकराव, और प्यार मोहब्बत में तो जो झगड़ा तनाव है उसके लिए कोई वजह की ज़रूरत ही नहीं, हो तो यूँ भी बेवजह हो ही जाता है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई भी संबंध ख़राब है तो दोनों पक्ष में से जब तक एक पक्ष पहल नहीं करेगा तब तक संबंध ठीक नहीं होंगे। उस पहल करने का सबसे पहली है कि पहला नंबर की बात है कि जाकर गलती किसी की भी हो, माफ़ी मांगकर फिर से उन्हें सामान्य किया जा सकता है कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ संबंध, ये आपके मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। अब आप ये चाहें कि हितों का टकराव, उन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया, या वास्तविकता में कुछ रहना है ही नहीं, हर व्यक्ति गलत है और हर एक व्यक्ति सही है अपने नज़रिए में। इसलिए मैं जिस बात को आपको कह रहा हूँ कि जाकर आप पहल करें कि ठीक है मेरी गलती है, आपकी गलती है, जो भी गलती है, हम इस रिश्ते को फिर से आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दूसरा है कि फिर भी संबंध ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप फिर भी कोशिश बहुत कर रहे हैं, तो बजरंग बाण का रेगुलर पाठ करना शुरू कर दें। आप 30 दिन 31 दिन बजरंग बाण का पाठ करें, संबंध वापस ठीक हो जाएंगे। तीसरी बात है कि आप शिव जी के मंदिर तो जाएँ, 2 टाइम दर्शन करें। मैं हमेशा ये बात अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मंदिर ज़रूर जाएँ ईश्वर के स्मरण, क्योंकि उससे ईश्वर से हम कनेक्ट होते हैं। ये हमारी आदत में जब चीज़ आ जाती है ना तो हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, और ईश्वर से हम कनेक्ट रहेंगे तो कई सारी बाधाएँ परेशानियाँ स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।